स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है। दिल्ली के स्कूल में दोस्तों से मिलने की बेताबी है, स्कूल जाकर पढ़ने की तमन्ना है। 19 महीने बाद ये मौका मिला है। आज की सुबह बिल्कुल अलग है। आज से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। वैसे तो दिल्ली में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले से ही चल रही थी, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आज से बजने लगेंगी घंटियां। कोरोना के इस काल में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। क्लासरूम में जो बच्चे बैठेंगे उनकी लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली गई है, यानी कि कौन सी सीट पे कौन सा बच्चा बैठेगा इसकी तैयारी कर ली गई है, और साथ ही साथ या जगह जगह पर स्टिकर चिपकाए गए हैं जमीन पर भी, ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। 8वीं तक के बच्चों की क्लास के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति न हो और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर न किया जाए। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को एंट्री नहीं दी जाएगी। दोपहर के भोजन, किताबों या किसी सामान को शेयर करने की इजाजत नहीं है। स्कूलों ने भी अपने हिसाब से पूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि कोविड नियमों का सही से पालन किया जा सके। पहले इन डेस्कों पर दो बच्चे बैठा करते थे, लेकिन अब एक बेंच एक बच्चे का स्टिकर हमने लगाया है, और बच्चों को ये भी ध्यान में रखा गया कि उसका डिस्टेंस पूरा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रहे। दूसरा है कि अभी सिचुएशन इस बात की है कि हमें बच्चों की सेफ्टी कैसे करनी है, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि अब 3 साल का बच्चा हमारे स्कूल में आएगा, 3 से लेकर के 8वीं क्लास तक का बच्चा जो आता है उसकी साइकोलॉजी को देखना है, उसके बिहेवियर को देखना है, और उसको इस रूटीन पर लाना है कि वो COVID-19 की सेफ्टी को बहुत अच्छे से समझे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में 8वीं तक के सभी स्कूल आज से ही खुल रहे हैं। कई स्कूलों ने दिवाली के बाद 8वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। ऑफलाइन के साथ साथ जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते उनके लिए ऑनलाइन की कक्षाएं भी चलती रहेंगी। स्कूलों के दोबारा खुलने से शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक खुश हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।